टॉप 4 बेस्ट पावरफुल कैमरा स्मार्टफोन्स एंड 12,000 रुपीस। गाइज, अगर देखा जाए तो आजकल हर कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में लगा हुआ है, और ऐसे में अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा सा कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं, साथ में आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले, लंबी चलने वाली बैटरी और तो 5G का सपोर्ट। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले उन यूजर्स की जो कि रियलमी की तरफ से स्पाइस फोन के अंदर एक अच्छा सा कैमरा प्लस एक अच्छा सा 5G फोन ढूंढ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रियलमी का 12X 5G। बात करें फोन की तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों, डिजाइन और लुक आपको रियलमी 12 सीरीज की तरह ही देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ फोन 7.9mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइटवेट और काफी स्लिम है, तो ये काफी अच्छी बात है। और इन सभी के अलावा IP54 की रेटिंग दी गई है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको 800 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टेस्ट सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर है, और यहाँ पर आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। इन सभी के अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप देखा जाए तो फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। रही बात लो लाइट की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है आम G57 MC2 का 2 कोर का GPU। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,18,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक अच्छे स्कोर है। तो डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, आपको यहाँ पर LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 45W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, लेकिन आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है वन यूआई का 5.0। और साथ ही साथ यहां पर रियलमी ने यह भी प्रॉमिस किया कि आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन सभी 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, यहां पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपए। बट दोस्तों, आपको यहाँ पर ICICI, HDFC और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये तक का ऑफ मिल रहा है, तो इफेक्टिवली अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को 11,000 रुपये की कीमत पर परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा रैम चाहिए तो आप स्मार्टफोन के 6 और 128 वाले वेरियंट को भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 13,499 रुपये की कीमत पर। ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा सा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फ़ोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च वीवो का T3X5G। बात करें इस फोन की तो दोस्तों, ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। हालांकि पिछले वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8mm की थिकनेस और 199 ग्राम्स के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है, और फोन का लुक भी काफी कमाल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टेस्ट सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई। और अच्छी बात यह है कि वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती, जो कि और भी अच्छी बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दिया गया है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात यहाँ पर आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती है, फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है, वैसे इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको यहाँ पर कोई OIS जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम Vivo T2X से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर स्लाइटली बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 का चिपसेट, और दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला है काफी कमाल का चिपसेट है। ये औंधतों पर लगभग 5,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर है। साथ ही आपको यहाँ पर एड्रेनो 710 का GPU देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको HD ग्राफिक्स पर हाई क्वालिटी की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको 6000mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है, और हाँ भाई वीवो की तरफ से काफी बड़ी बात है। साथ ही साथ ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो 15,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी बात है, और हाँ आपको यहाँ पर बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया, और हाँ आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में, तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस फन टच OS 14 पर। यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटर्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात अपडेट्स की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, और पॉसिबली आपको यहाँ पर 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले हैं। रही बात यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,499 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस लिस्ट के एक ऑल राउंडर स्मार्टफोन की, जहां पर आपको कैमरा भी अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, और लंबी चलने वाली बैटरी भी मिलती है, तो दोस्तों ये फोन है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F15 5G। फोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि 9.3mm की थिकनेस और 217 ग्राम का है, तो थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्की जरूर है, लेकिन यहाँ पर बैटरी भी ज्यादा दी गई है, जिस वजह से स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवियर साइड देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आपको बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली सुपर एमोलेड पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी, और साथ ही 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट भी आपको दिया गया है। हालांकि यहाँ पर पंच होल डिजाइन होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी वो आपको काफी कमाल की मिलती है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है दोस्तों कि फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है, और यहाँ पर आपको डे लाइट साथ ही साथ लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा अप टू 30 FPS, और यहाँ पर आपको जायरो EIS का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही आपको यहाँ पर VDIS यानी कि वीडियो डिजिटल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियोस है वो भी ब्लर नहीं होंगी, यानी कि आपको यहाँ पर डिजिटल स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट, और दोस्तों ये स्मार्टफोन औंधत्व पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर अप टू 40 FPS तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलने वाली है। बात कर ले पावर हाउस की, तो बैक साइड में 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई, तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है, बैटरी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस 1UI6 पर रन करता है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 4 साल तक के मेजर अपडेट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 18 तक का सपोर्ट मिल जाएगा, तो 4 साल के लिए तो नो टेंशन। और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी नॉक्स सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, सो आपको यहाँ पर 5G यानी कि फ्यूचर के लिए भी कोई टेंशन नहीं आने वाली। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्मार्टफोन का 6 और 128 वाला वेरियंट भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 14,999 रुपये की कीमत पर। पर दोस्तों अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक बेटर कैमरा चाहते हैं, साथ में आपको लंबी चलने वाली बैटरी चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि प्लास्टिक की बैक आपको मिलेगी, बट ओवरऑल यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी दी गई है। और साथ ही 8.8mm की थिकनेस और 208g के साथ में आता है, क्योंकि 4 के अंदर आपको यहां पर बड़ी बैटरी भी दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले। साथ ही आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट दिया गया है। और रही बात गेमिंग की, तो 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको बहुत अच्छी दी गई है, हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच की जगह पर यहां पर पंच होल होता तो और ज्यादा कमाल हो जाता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको OIS का फीचर भी दिया गया है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। रही बात इमेज क्वालिटी की, तो इमेज क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया, तो आपको यहाँ पर इमेज आउटपुट काफी अच्छे मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30fps। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का F2.0 वाला सेंसर, जो कि आपको यहाँ पर डिसेंट क्वालिटी की आउटपुट निकाल कर दे देता है। और रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30fps। सो ओवरऑल कैमरा के मामले में ये फोन काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5nm बेस 1280 का चिपसेट, और यहाँ पर आपको दिया गया आर्म वाली G68 का GPU, जो कि आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर मीडियम लेवल की ही गेमिंग कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लगभग 460,000 के आसपास अंतत स्कोर मिल जाते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4 SC रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलेगा। रही बात यहाँ पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा दिया गया है। साथ ही ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई एडेप्टर नहीं दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी, सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल तो अच्छा है, लेकिन एडेप्टर होता तो और अच्छी बात होती। तो चलिए बात करें तो कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 पर, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलने वाले और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी फोन काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं पर बात करें 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12+ 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी कमाल की बात है। और अगर हम बात करें प्राइसिंग की, 6 और 128 के लिए इस समय आपको देने होंगे 12,999 रुपये, बट अगर आप चाहें तो बैंक ऑफर्स लगा करके स्मार्टफोन को लगभग 12,000 रुपये कीमत पर इजिली परचेस कर सकते हैं, फोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा।